नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार के कई जिलों में मौसम ने अचानक गजब की पलटी मार दी है। पटना, औरंगाबाद समेत कई जिलों में पिछले 24 घंटों में तेज बारिश हुई है। यहां तक कि सरस्वती पूजा और वैलेंटाइंस डे के दिन भी सुबह से ही बादलों ने बारिश की झड़ी लगाए रखी है। इस बेमौसम बारिश ने सरस्वती पूजा को तो फीका किया ही, साथ ही प्यार के इजहार करने वालों को भी परेशानी में डाल दिया है। बुधवार की सुबह से तेज बारिश के कारण लोग घर से निकल ही नहीं पाए हैं। उधर मंगलवार की दोपहर से हो रही रुक रुक कर बारिश ने एक बार फिर से ठंड बढ़ा दी है। मौसम वैज्ञानिक अनूप कुमार चौबे के मुताबिक 15 फरवरी तक बारिश होगी, लेकिन 16 फरवरी से मौसम साफ होने की संभावना है। मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 4 दिन यानी कि 15, 16, 17 और 18 फरवरी 2024 तक अधिकतम तापमान 27, 26, 24 और 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 14, 13, 12 और 11.5 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। 15 फरवरी को भी आसमान में मध्यम बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना है। राजधानी पटना में भी मंगलवार से ही रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में पूर्वा और पछुआ हवाओं का मिश्रण होने और आर्द्रता में वृद्धि होने के कारण 15 फरवरी तक बारिश के आसार हैं। गया, सीवान, शेखपुरा समेत बिहार के लगभग सभी जिलों में मंगलवार को बारिश हुई। वहीं 15 फरवरी तक बक्सर, आरा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, गया, सीवान, गोपालगंज, छपरा, वैशाली, शेखपुरा, जमुई, मोतिहारी, बेतिया, औरंगाबाद समेत कई जिलों में मध्यम से हल्की बारिश हो सकती है। 15 फरवरी को भी बादलों का प्रभाव रहेगा और फिर 16 फरवरी से मौसम साफ होने की संभावना है। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहें इनसाइडर लाइव।